हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। गाइस, आज का व्लॉग का सीन ये है कि मैं जा रहा हूँ आरएनटी के बूट कैंप। बहुत दिन से मैंने ब्लेस से और एक्वा से और आरएनटी की भी पब्लिक से बहुत दिन से मिला नहीं था, तो मन कर रहा था घर पे ही हूँ तो चले जाता हूँ। खारगर है उनका बूट कैंप, तो खारगर जा रहा हूँ मैं यहाँ से। और किस पे पता है? वर्कमैन पे। इस पे जा रहा हूँ मैं, आरएनटी के बूट कैंप जाऊँगा। और उधर सामने और भी बहुत सारे बूट कैंप थे, तो सब दोस्तों से मिलूँगा जितने भी है, कार्निवल का भी है और भी बहुत लोगों का है, तो चलो चलते हैं। तो भाई, सबसे पहला स्टेप है हेलमेट पहनो, अपनी सेफ्टी को हमेशा प्रायोरिटी दो। और गाइज, यहाँ से खारगर 40 मिनट या एक घंटा लगेगा मेरे को पहुँचने में, कुछ 20 किलोमीटर है, तो चलो चलते हैं। ठीक है भाई, देखो कौन आया भाई। हु इज दिन भाई, हु इज दिस, पहचाने क्या आपने? व्हाट इज अप गाइस? क्रांति भाई, क्या बोल रहे? हाँ, मैं ऐसे ही घूमता हूँ भाई। सो गाइस, फिलहाल मैं खारगर पहुँच गया हूँ, वाइटिलिटी के बूट कैंप पे हूँ, क्रांति भाई से मिला। अब क्रांति भाई लेके जाएंगे मेरे को सबके बूट कैंप पे, क्योंकि मेरे को यहाँ पता नहीं है कौन कहाँ किसका बूट कैंप कहाँ है। तो क्रांति भाई उधर है, थोड़ा चाय कॉफ़ी पिए रहे हम लोग और फिर जा रहे वाइट इसके बूट कैंप पे। पहले आरएनटी के बूट कैंप पे जाएंगे, फिर मैं कार्निवल के बूट कैंप पे भी जाऊँगा। ठीक है, तब तक जुड़े रहो गाइज। वी आर गोइंग टू आरएनटी बूट कैंप, क्रांति भाई ले जा रहे हैं हमको। भाई खारगर तो बहुत शांत एरिया है यार, मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं पहले भी आया हूँ एक बार। Here we go. अरे आ गए। कैसा है? अबे केबल कम दिख रहे हैं यहाँ पे। ये क्या कर रहे हो भाई? कैसे हो भाई? ये आ गया स्क्रीनशॉट। पहले पूरा प्रूव है कि ओवेस आगे से इसने डिस्ट्रैक्ट हो गया था। मैच खत्म हो गया था ना अभी? नहीं, टाइम बचा था। क्यों पूरा कर चलेगा? कल ही मैं अभी आ गया, बाइक भी दो सेकंड बचे थे। कोई नहीं, एक पॉइंट फिर भी दे दो। दो पॉइंट दे दो, तीन पॉइंट दे दो, हो जाएगा अभी। क्यों मेरे को पता है इतने मैच जा रहा है? खेलूंगा अभी क्रांति भाई बोला तू वो वन प्लस वाला है मेरा मैच। अच्छा हां, 9 मिनट बोला अभी अभी खेल रहे थे। अभी ना हमारी बूट कैंप की पूरी शिफ्टिंग हो रही है, मतलब ऐसे कुछ नहीं, टेबल्स हम चेंज कर रहे हैं, ये नए वाले टेबल्स है, पहले क्या था पूरा एक साथ थे टेबल, तो अभी हम टेबल चेंज कर रहे हैं, तो हमें मैन लेबर चाहिए थे क्योंकि एकदम सही टाइम पे आया है। बट अभी तो हो गया, मेरे को अलग लग रहा है। हाँ, ये हल्के वाले टेबल थे, अभी भारी वाले टेबल पीसी असेंबल करना ये सब चाहिए थे। तो ओवेस एकदम टाइम बैटरी मारा है। कैसा लगा, मतलब इतने दिनों बाद आया? बस ऐसे आ गया मिलने। ओवेस थोड़ा पतला हो गया, बीच और पतला हो गया ना? इसको पता है, इसको मेरा हाल पता है, खाने के पैसे नहीं। ये तो ज्यादा हो गया। नहीं नहीं, वो ट्रॉफी मुझे भेज दे, मैं खरीदूंगा 3 लाख में जो तेरे पास ट्रॉफी। ये देखो गाइस, बोला खुद तो जीत नहीं पा रहा, मुझे बोल रहा है अब किसी खरीदेगा। चल बढ़िया है। और व्लॉग ये देखो, ये हमारे इधर का, जैसे तुम्हारा तू नए प्लेस को ला रहा है ना अंडरडॉग्स को अपने साथ, हाँ। एक दो तो ये हमारी टीम का अंडरडॉग्स। सी भाई द फनी गाय। मैं कैसा, मेरी बॉडी पहले से बनी, मैं जिम जा रहा हूं। अच्छा लग रहा है अभी, फिट लग रहा है पहले बहुत। अबे जब हम लोग हैदराबाद में मिले थे अभी शूट के दे, तब ऐसा नहीं लग रहा था भाई। कैसे? ओहो शिट शिट शिट, तू लेके आ रहा है इसको जिम? ऑब्वियसली भाई, ऑब्वियसली जिम ट्रेनर उसका ना भी मैं, मतलब प्रोटीन रोटीन ले रहा है, प्रोटीन ले रहा है, मतलब आज 5 दिन हो गए, मजाक कर रहा हूं, इतने में जल्दी नहीं बनती है। 5 दिन, 5 दिन नहीं लग रहा है, 5 दिन बट तेरे को अच्छा, मतलब इसके बॉडी में ऐसा दिख रहा है कि ये जल्दी बॉडी बन गई। अमित भाई चिकन आ रहा है। हाँ पहले मैच ये मैच आ रहा है। नाइस सेक्सी। चलो भाई और एक चिकन आ गया भाई। आराम से बोलने की जरूरत नहीं। आ गया भाई, आ गया।
अक्षत भाई खुश है चिकन से, दो चिकन भाई, ये लोग ही डोमिनेट कर रहे हैं गाइस। हम हमारे से तो कुछ नहीं होना गाइस, कुछ टिप्स दे दो भाई। किसके दो मिनट में 14 किल, किसके गॉब्लिन बोलते भाई है ये। क्या किधर जाऊं, उनके रूम में जाना है ये। अरे भाई साहब तू इसलिए कॉल कर रहा है भाई, क्या हाल है? अरे क्या हाल भाई, तू यहीं रह जा यार। कैसा मेरे से पहले भी निकाल दिया तू, बट प्लीज तू ऐसे बोल रहा है, चल ले बताओ गाड़ी पुराना हो गया आ रहे लॉग लॉग बन रहे हैं, न्यू टीम बन रही है। नहीं नहीं अक्रॉस है वो लोग देखे अभी मुझे नहीं। सो गाइस सबसे मिल लिया, आरएनटी वालों से भी मिल लिया, कार्निवल वालों से भी मिल लिया। अभी मैं जा रहा हूँ स्टूडियो, मुझे काम है और फिर वहाँ से घर जाऊंगा। तो आरएनटी वालों को बाय नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि वो लोग गेम में और मुझे फ़ौरन निकलना है, स्टूडियो पहुँचना है जल्द से जल्द। कार्निवल वालों को बाय बोल दिया हूँ और शायद मैं एक दो दिन बाद कार्निवल के बूट कैंप पर आने वाला हूँ, क्योंकि ये लोग बोल रहे कि आके रहे हमारे साथ, तो मैं रहूँगा इनके साथ और मज़े करेंगे। तब तक के लिए चलो चलते। सो गाइज फाइनली इतना ट्रेवल करने के बाद मैं स्टूडियो पहुँच चुका हूँ। स्टूडियो आने का मेरा एक रीज़न है गाइज, मुझे यहाँ एक सेटअप है, गेमिंग सेटअप है जो मुझे देखना है, क्योंकि मैं भी अभी एक गेमिंग सेटअप करने वाला हूँ। और गेमिंग सेटअप दिखाने के लिए अपने पास है अपने मानव भाई, पुराने दोस्त है मेरे, इधर ही काम करते हैं वो, तो ये दिखाएंगे मुझे। तो चलो सेटअप के पास चलते हैं, सेटअप देखते हैं। सो गाइज ये सेटअप है, ये ग्राफिटी है इस तरफ और ये इधर पैक डेक है, ये सेटअप है पूरा। तो यही देखना था मुझे, अभी यहाँ सेटअप देखने आया ही है, सोच रहा हूँ एक स्ट्रीम भी कर लूँ शॉर्ट स्ट्रीम यहीं से। आपको कैसा लग रहा है बताना कमेंट्स में। सो गाइज मैं अब स्ट्रीम करने जा रहा हूँ, स्ट्रीम के बाद आप सब लोग से मिलता हूँ। हेलो गाइज वेलकम बैक टू अनदर स्ट्रीम, कैसे हो सब लोग? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? संदीप राठौड़ भाई हाई, हेलो, आतंकी भाई हेलो, कैसे हो सब लोग ये बताओ, सब ठीक चल रहा है? गाइस मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ, बहुत टाइम से ना मेरा कैरेक्टर सेम ही है, मैं सोच रहा हूँ उसको चेंज करूँ, क्या बोलते हो आप लोग? कुछ और करूँ मैं सोच रहा हूँ, उसको मेकओवर देना चाहता हूँ मैं कुछ। गाइस कैरेक्टर को मेकओवर देता हूँ, रुको एक मिनट, बियर्ड नहीं है मेरे को, बियर्ड है ना, तो इसको बियर्ड लगा देता हूँ, ब्लैक कलर दे देता हूँ, चलो हो गया। इसका कपड़ा भी चेंज कर लेता हूँ, ये इन्फेक्टेड साइड अच्छा लगेगा, येलो और ग्लेशियर का कॉम्बिनेशन भाई मज़ा आ जाएगी। ओएस भाई कैरेक्टर का तो मेकओवर हो गया, खुद का मेकओवर कब कर रहे हो? यार खुद का मेरे बाल भी बहुत बड़े हो गए और बियर्ड भी बहुत ज़्यादा ग्रो हो गई है, मेरे को करना है खुद का मेकओवर, क्या बोलती पब्लिक? कर लूँ फटफट जाके, कर क्या हो गया 5 मिनट में मेरा भी मेकओवर हो जाएगा, फिर और मज़ा आएगी, क्या बोलते हो तुम बताओ चैट में बताओ, 5 मिनट में करके आओ फट से। हाँ भाई करके आओ, बस 5 मिनट दो गाइस, बस 5 मिनट, ठीक है आ रहा हूँ। यार चैट तो सही कह रही थी, 2024 भी आ गया है, मेरे रियल वर्ल्ड कैरेक्टर को कुछ अपग्रेड करना पड़ेगा, स्ट्रीम्स और व्लॉग में अच्छा दिखना है। चलो इंट्रोड्यूसिंग द फिलिप्स वन ब्लेड, माय गो टू कंपेनियन फॉर ऑल माय फेशियल ग्रूमिंग नीड्स। The Philips One Blade is not just a trimmer or a shaver. ये ultimate product है for your grooming kit. ये game changer है जो नए standard set करता है men's grooming के लिए. Trim, shave and style with just one tool. ये पक्का मेरे game level को ऊपर लेके जाएगा. The dual-sided blade lets you use in both directions. So it's perfect for sensitive and acne-prone skin. Because जब मैं trim, shave और style करता हूँ, ये direct pressure apply नहीं करता है मेरी skin पे. Thanks to the rounded edges of the blade. इट्स IPX7 waterproof rating. इसका मतलब है कि आप अपने वेट फेस पे भी इसको यूज कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। इसका बेस्ट पार्ट पता है क्या है?
यूनिक डिजाइन एंड कंफर्टेबल फील. सो जब भी मैं इसको यूज करता हूँ ना, मेरे को टेंशन नहीं रहता निक्स और कट्स का. सो आई कैन मूव फियरलेसली. सो गाइस, आप लोगों ने मेकओवर के लिए बोला तो आपको निराश कैसे कर सकता हूँ. दोनों जगह अपग्रेड कर लिया मैंने, रियल लाइफ में भी और इन गेम में भी. विद द एबिलिटी टू शेव, ट्रिम एंड स्टाइल, इट्स नॉट मेरिली अ ट्रिमर और शेवर, दैट इज ऑल्सो माई गो टू ब्लेड. सो गेट इट नाउ फॉर दैट परफेक्ट लुक. सो गाइस, ओवरऑल अभी अपना दिन खत्म हो गया है. बहुत फन था आज, बहुत मजा आई. यहाँ घर से मैं गया खारघर, खारघर से मैं गया स्टूडियो, स्टूडियो से फिर घर आया, एक दो स्क्रीम्स खेला अभी, थोड़ा फ्रेश हुआ अभी, और मेरे स्क्रीम्स बचे हैं मुझे खेलना है. आप सबको पता है कि ESL चल रहा है तो ESL के लिए ग्राइंड करना ज़रूरी है, आपको भी पता है. वेस्ट हो गया, मतलब वेस्ट तो नहीं हुआ, थोड़ा दिन मतलब मैं दिन के टाइम पे खेल नहीं पाया, बट अभी मेरा स्क्रीम है तो मैं अभी खेल लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है. और आज बहुत मज़ा भी आई सबके बूट कैंप पे, RNT के बूट कैंप पे, ब्लेज से मिला इतने दिन बाद. एक्वा तो था नहीं क्योंकि वो घर गया था, एक्वा से मिलने फिर जाएंगे. और कार्निवल के बूट कैंप भी बहुत मज़ा आया, ओमेगा लोग को भी बहुत दिन बाद मिला मैं, बहुत अच्छा लगा मेरे को. फन एकदम आज फन हो गया मेरा, और टेंशन भी थोड़ा, स्ट्रेस थोड़ा रिलीज हो गया ESL का जो था. और ऊपर से गाइस, मैं सोच रहा हूँ कि जो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो है वो मैं एक Q&A वीडियो करूँ. तो ये वाली वीडियो के कमेंट सेक्शन में जितने क्वेश्चन जो आपको पूछने हैं मेरे से पूछो, ट्राई करूँगा जितने हो सके सबके आंसर करूँ मैं, ठीक है. आप लोगों के लिए Q&A वीडियो बनाएंगे एक मस्त वाली. और गाइस, ESL चल रहा है तो प्रे जरूर करना. तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल.